सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज हम आ चुके हैं जूम स्कूटर को लेके अपने एक राइड रिव्यू के लिए और कुछ स्पेसिफिकेशंस बताएंगे आपको इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरोत्तर एंटरप्राइजेस का, जिन्होंने हमें स्कूटर प्रोवाइड कराया है एक रिव्यू के लिए और अपने एक छोटी सी राइड रिव्यू करने के लिए। तो थैंक यू मेहोत्र एंटरप्राइजेस काशीपुर। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने इसकी लॉन्चिंग करी थी। आज मैं बताने वाला हूँ इसके एक एक स्पेसिफिकेशन आपको, जो जो इसके मेन स्पेसिफिकेशन है। तो यार सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके कलर एंड लुक से। तो यार आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम इसका लुक लग रहा है, और जो हमारे पास डुअल टोन में ब्लू एंड ब्लैक कलर में ये स्कूटर खड़ा है, भाई बहुत ही ज़्यादा शानदार और बेहतरीन अपने लुक्स के साथ लग रहा है। एंड मैं बता देता हूँ यार, ये तीन वेरियंट में आता है, LX, VX एंड ZX। और जो हमारे पास खड़ा है ये सबसे टॉप वेरियंट है इसका, ZX। एंड इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं मैं आपको इन तीनों स्कूटर के डिफरेंसेस बताने वाला हूँ कि अपने तीनों LX, ZX एंड VX तीनों वेरियंट में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कलर्स से। तो यार अपने बेस वेरिएंट LX में सिर्फ एक ही कलर आता है, जो कि है पोल स्टार ब्लू। देन बात कर लेते हैं अपने VX वेरिएंट की, तो भाई उसमें तीन कलर आते हैं, पोल स्टार ब्लू, ब्लैक एंड पर्ल सिल्वर वाइट। अब बात करते हैं अपने ZX वेरिएंट, जो कि अपना टॉप मॉडल है, उसमें चार कलर आते हैं, पोल स्टार ब्लू, ब्लैक, मेटा अर्बेक्स ऑरेंज एंड स्पोर्ट्स रेड। तो आप देख सकते हैं चारों कलर बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि है अपना इंजन। तो यार इसमें 110 सीसी का इंजन आता है, और जो ये पावर जनरेट करता है वो 8.05 bhp की पावर जनरेट करता है। और जो टॉर्क है ना इस स्कूटर का, भाई इस स्कूटर में टॉर्क है 8.70 nm का ये टॉर्क देता है, और ये इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा टॉर्क देने वाला स्कूटर है हीरो की तरफ से जो आया है। और इसमें फ्यूल टैंक की हम बात कर लें तो इसमें 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, जो कि बहुत अच्छी कैपेसिटी है एक स्कूटर के हिसाब से। तो अब आ जाते हैं इसके फ्रंट व्यू पे। आप देख सकते हैं डुअल टोन में ये स्कूटर सामने से कितना ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। एंड ये देख सकते हैं आप इसके हैंडल पे जो है यार, ये हैंडल माउंटेड क्रिस्टल टर्न इंडिकेटर लैम्प दिए जाते हैं इसके, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। और नीचे इसमें ये जो एच सिग्नेचर LED DRL दिए हुए हैं इन्होंने, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे विद प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ आते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा व्यू देते हैं आपको रात में। एंड अब बात कर लेते हैं सेम पीछे की, तो पीछे की जो इसकी टेल लाइट है भी इन्होंने सेम एज एच सिग्नेचर में ही दी है, और जो बहुत अच्छी और बहुत ही एक प्रीमियम लुक दे रही है इस स्कूटर को। तो यार अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्कूटर की सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्टिव हाईलाइट के बारे में, जो कि है अपनी HICL टेक्नोलॉजी हीरो इंटेलिजेंट कॉर्निंग लाइट्स। यार ये आप देख सकते हैं, ये है अपने स्कूटर की कॉर्निंग लाइट्स, जो कि इंडस्ट्री का फर्स्ट स्कूटर है ये जिसमें कॉर्निंग लाइट्स आई हैं। ये पहले कार्स में आती थी, अब अपने स्कूटर में आ चुकी हैं। आप अपने हैंडल बार को जिधर भी टिल्ट करेंगे, आपका स्कूटर हल्का सा भी एक साइड को आप जैसे भी टिल्ट करके झुकाएंगे, आप टर्न लेंगे, तो आपकी कॉर्निंग लाइट जो हैं ये ऑन हो जाएंगी और आपको साइड व्यू देंगी बहुत ज़्यादा अच्छा। तो भाई हीरो ने बहुत अच्छा इनोवेशन किया है ये एक, और ये इंडस्ट्री का फर्स्ट स्कूटर बन गया है ये कॉर्निंग लाइट्स देने वाला। तो भाई बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा शानदार फीचर के साथ ये स्कूटर आया है। बाकी यार आप इसका लुक्स देख सकते हैं कितना ज़्यादा शानदार, और बिल्कुल ये फ्यूचरिस्टिक एरोडायनामिक्स के साथ यार इसका स्कूटर का पूरा लुक दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से पीछे तक का पूरा व्यू, पूरा एक एक चीज़ इसमें फुली एरोडायनामिकली बनाई गई है पूरे स्कूटर में। ये जो पीछे की ग्रैब रेल तक जो है इस तरीके से दी गई है कि आपको लगता है कि बिल्कुल ये इसी में इनबिल्ट है, जो कि अलग से इसमें लगी हुई है। बहुत ज़्यादा शानदार ये इसे बनाती है और जान डाल देती है पूरे स्कूटर में अपने। आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन लुक है अपने स्कूटर। तो यार ये तो हो गई अपने स्कूटर की ओवरव्यू एंड लुक्स। यार अब बात कर लेते हैं अपने स्पीडोमीटर की, तो दिखाता हूँ मैं आपको स्पीडोमीटर ऑन करके। तो यार ये देख सकते हैं आप कितना शानदार अपना ये स्पीडोमीटर लग रहा है, और आपको साइड में एक इमेज भी दिख रही होगी, उस इमेज में आपको दिख रहा होगा यार ये ZX वेरिएंट का जो अपना ये फुली डिजिटल मीटर आता है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है ZX वेरिएंट में। वहीं बात कर लेते हैं हम अगर VX की, तो VX में भी फुली डिजिटल आता है, लेकिन वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं आता है। उसमें जो लाइट मिलती है वो येलो दिखती है, वो आपको इमेज में दिख रही होगी। एंड उसके साथ साथ बात कर लेते हैं अगर हम अपने LX वेरिएंट की, तो उसमें आता है भाई डिजिटल एनालॉग मीटर। एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया था इन कॉर्निंग लाइट्स के बारे में, तो यार जो कॉर्निंग लाइट्स हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेंगी अपने ZX वेरिएंट में, बाकी अपने LX और VX वेरिएंट में ये इनबिल्ट नहीं आती हैं, वहाँ पे स्लॉट खाली रहता है। अगर आपको लगवानी है तो आप लोग इन्हें लगवा सकते हैं अलग से अपने कंपनी से ही एज अ एसेसरीज, बट ये बाकी दोनों वेरिएंट में नहीं आती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ZX वेरिएंट में ही इनबिल्ट आती हैं। अब बात कर लेते हैं अपने स्कूटर के स्पेस और स्टोरेज के बारे में, तो अपना जो स्टोरेज दिया हुआ है आप ये आगे देख सकते हैं, काइंड ऑफ ग्लव बॉक्स जैसा ये दिया हुआ है। इसमें आप आराम से एक एक लीटर की दो बोतल रख सकते हैं, और अच्छे का स्पेस है। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, जहाँ से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो यार अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका बूट खोल के अंदर डिग्गी में कितना स्पेस है इसमें।
तो यार आप अंदर देख सकते हैं यहाँ पे 20 लीटर का एक काफ़ी बड़ा स्पेस दिया हुआ है आपको, एक LED लाइट भी आती है उसके साथ, और बहुत अच्छा एक स्पेस दिया हुआ है। इसमें आप आराम से एक अच्छा बड़ा हेलमेट रख सकते हैं, बहुत बढ़िया इस स्कूटर के हिसाब से इसमें जो है ये दिया हुआ है इन्होंने स्पेस। और फ्यूल टैंक भी देख सकते हैं आप, डिग्गी के अंदर ही है, आप वहाँ से आराम से अपनी फ्यूलिंग करा सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ये सब बनाया हुआ है। तो अब आ जाते हैं इसके टायर्स पे, ट्यूबलेस टायर जो कि डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ आते हैं। आगे आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक, पीछे मिलता है अपने को ड्रम ब्रेक, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये जो अपने पास वेरिएंट खड़ा है ये ZX वेरिएंट है, और जो डिस्क ब्रेक आता है वो सिर्फ और सिर्फ ZX वेरिएंट में मिलता है, बाकी अपने को VX और LX में डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, दोनों अपने आगे पीछे में ड्रम ब्रेक मिलते हैं, तो इस चीज़ में डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके शॉकर के बारे में, तो यार इसमें जो है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉकर आते हैं, आप देख सकते हैं यार ऐसे शॉकर बाइक्स में आते हैं, एंड ये पीछे का भी आप शॉकर देख सकते हो, तो भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छे शॉकर्स हैं, शॉक एब्जॉर्ब करते हैं एंड जो जर्क है बहुत रिड्यूस करते हैं, चलाते हुए बहुत ज़्यादा कम्फर्ट मिलता है और आपको जर्क जो है काफ़ी कम फील होते हैं। तो आई होप यार आपको मज़ा आया होगा यार ये जो आप सब देख रहे हैं, आपने इसके फीचर्स देखे, तो यार ये तो हो गए इसके सब फीचर्स एंड इसकी टेक्नोलॉजी जो बहुत अच्छी नई टेक्नोलॉजी आई है। अब हम बात करते हैं यार इसकी प्राइसिंग के बारे में कि यार इस स्कूटर के तीनों वेरिएंट का अपना क्या क्या प्राइस रखा गया है। तो यार शुरू करते हैं अपने LX वेरिएंट से, LX वेरिएंट का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 68,599, देन अपने VX वेरिएंट का जो प्राइस है वो है 71,799, एंड ये जो आप सामने देख रहे हैं ZX वेरिएंट यार इसका प्राइस है 76,799 रुपीज़ ओनली। तो यार यहाँ खड़ा अपना स्कूटर और अब हम करने वाले हैं इसका राइड रिव्यू, तो अब हम इसे चला के देखेंगे और मैं बताऊंगा आपको इसके कंफर्ट के बारे में और कैसा इसका पिकअप एंड ऑल आ रहा है। तो बिना देरी करते हुए चलो करते हैं इसे शुरू, लेट्स गो। चलो तो चलते हैं भाई, और भाई मैं सच बता रहा हूँ इसे चला के एक बार को आपको फील नहीं होगा कि आप 110 cc का स्कूटर चला रहे हैं, क्योंकि यार इसकी पावर और इसका जो भाई पिकअप आ रहा है ना यार वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत बढ़िया आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कि 110 cc का स्कूटर चला, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरी हाइट 6'4" है और मैं स्कूटर पे बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा हूँ, ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि मेरे को कुछ दिक्कत हो रही है, स्कूटर छोटा फील हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं फील हो रहा है भाई। ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस में इसे चला के भी लाया हूँ, 5-6 किलोमीटर में इसे ऑलरेडी चला चुका हूँ, तो भाई मैं इसका जो राइड एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा ना यार, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट स्कूटर है अगर आप लेना चाहते हैं 110 cc के सेगमेंट में। ऊपर से इसका जो टॉर्क और पावर जो ये जनरेट कर रहा है और जो पावर ये दे रहा है ना अपना, और जो बढ़िया ये एकदम से पिकअप और सब कुछ यार, सस्पेंशन बहुत बढ़िया है यार इसके, जैसा कि मैंने आपको बताया यार मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ आता है, और एकदम से ब्रेकिंग भी यार इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील हो रही है। देखो मैंने ब्रेक मारे और जस्ट स्कूटर यहीं पे रुक जा रहा है, तो ओवरऑल यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ये स्कूटर। आप बताइए यार कमेंट करके कि आपकी क्या राय है स्कूटर के बारे में, क्या ये इस सेगमेंट के बाकी स्कूटर से बेटर है, आपको क्या फील होता है यार, अब मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्कूटर के बारे में क्या राय है और आपको ये स्कूटर कैसा लगा इस सेगमेंट में। तो हीरो का ये नया इनोवेशन जो इन्होंने करा है, इतनी बढ़िया इन्होंने जो टॉर्क दी है और इतना बढ़िया जो इसमें पावर ये पूरा जनरेट कर रहा है और जो नए फीचर्स इसमें दिए हैं ना यार, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं स्कूटर को। तो भाई मैं तो काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ स्कूटर की टेक्नोलॉजी और इसकी पावर जनरेशन से। तो यार आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और ऐसी रिव्यू के लिए और ऐसी बढ़िया बढ़िया राइड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में, टिल देन बाय गाइज़।